.NET classes, your selection, our ambition. जी हाँ, अब आपका selection हमारा लक्ष्य। तो आज ही सब्सक्राइब करें .NET classes को एवं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू .NET classes. .NET classes में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं ITI इलेक्ट्रीशियन फोर्थ सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ITI के फोर्थ सेमेस्टर के लिए तो हैं, साथ ही आपके जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम है, ठीक है, चाहे वो BHEL हो, DIDO हो, SPM, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें, और यदि आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो भी आप लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बेसिकली ये जो है फोर्थ सेमेस्टर के हिसाब से तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा, यदि आप लोगों को उसका आंसर पता है तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा, नहीं तो मैं उसका आंसर भी आप लोगों को बताऊँगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, निम्न में से कौन DC सप्लाई पर कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें से बताना है। जैसे पहला है ये A, कॉल बेल, ठीक है, B है इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, पूरा क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक आयरन, C है बजर, ठीक है, और D जो है आपका सभी, ये सभी जो हैं DC सप्लाई पर कार्य। तो आपको क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन जो है DC सप्लाई पर कार्य नहीं करेगा। तो आप लोगों को इसका आंसर यदि पता है तो कमेंट्स करके बता दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है आपका इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक प्रेस जो है वो 750 वॉट, ठीक है, इतने वॉट, 500 वॉट, इतने वॉट की रहती है, और ये जो है आप हमेशा जो है आपका AC पे ही काम करती है, DC पे काम नहीं करती। ठीक है, आपका कॉल बेल हो गई, बजर हो गए, ये सब जो हैं वो DC पे काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग पैनल की मेटल शीट में बने छिद्रों की नुकीली कोरों से क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये जो है ये पैनल है कोई, ठीक है, ये चादर का बना होता है। अब इसमें यहाँ पर आप होल करते हैं, ठीक है, इसमें से केबल को अंदर ले जाना रहता है। क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं, है ना, लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोगों को केबल अंदर ले जाना है, ठीक है, तो केबल को जब अंदर ले जाओगे तो ये जो यहाँ पर शीट लगी हुई है, तो शीट में से क्या होगी आपकी केबल जो है वो उसका इंसुलेशन कट सकता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए यहाँ पर कुछ लगाया जाता है, तो वो आप लोगों को बताना है कि वो क्या लगाया जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, A क्लिप, B बफर, C ग्रोमेट, या फिर D फेरल। ठीक है, आंसर देते जाइए, यदि आप लोगों को पता है तो इसका आंसर दे दीजिए आप लोग, है ना, नहीं तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये मेटल की शीट जो लगी रहती है इसमें बीच में होल करके केबल को निकाला जाता है, तो उसको केबल ना कटे उससे बचने के लिए यहाँ पर कुछ लगाया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, ग्रोमेट कहा जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्ज़ाम में, है ना, और आप लोगों के एग्ज़ाम में फिर से पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, इमर्शन वाटर हीटर, जो वाटर हीटर होता है उसमें हीटिंग एलिमेंट किस तार का बना होता है। ठीक है, तांबे का, B नाइक्रोम का, C एल्यूमिनियम का, या D टंगस्टन का। ठीक है, जो इमर्शन वाटर हीटर होता है वो जो उसमें हीटिंग एलिमेंट जो रहता है वो किस धातु का बना होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, तांबे का, नाइक्रोम का, एल्यूमिनियम का, टंगस्टन का, ABCD करके भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो जो हीटिंग एलिमेंट है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन का नहीं बना होता, टंगस्टन से क्या बना होता है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो हीटिंग एलिमेंट जो है वो नाइक्रोम के तार का बना होता है। क्लियर है, देखिए वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इसमें आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो पूरे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि ये क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि सेम यही क्वेश्चन हो, मगर आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से पूछा जाएगा वो। ठीक है, आगे देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन,
फोर्थ क्वेश्चन जो है, निम्न में से किसका हाइड्रो पावर के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है, आपने हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ा होगा, है ना। हाइड्रो पावर प्लांट आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, ये डैम बना रहता है, डैम से पानी गिरता है, यहाँ पर टर्बाइन वगैरह लगी रहती है, उससे बिजली उत्पन्न होती है, उसको हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा एग्जाम में कोई समझाएगा नहीं आप लोगों को, मगर अभी क्या मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं समझाते भी जा रहा हूँ साथ में, है ना। हाइड्रो पावर के साथ किसका संबंध नहीं है, आप लोगों के सामने चार ऑप्शन हैं। ए ग्रेविटी, ठीक है, बी वाटर साइकिल, सी सोलर एनर्जी, या डी जल। ठीक है, इन चारों में से आप लोगों को बताना है कि किसका हाइड्रो पावर प्लांट के साथ कोई संबंध नहीं है, ये बताना है आपको। ग्रेविटी है ना, वाटर साइकिल, सोलर एनर्जी या जल, क्या है इसका आंसर बताइए। तो सीधा सीधा सिंपल सा दिख रहा है आप लोगों को कि सोलर एनर्जी का संबंध इससे नहीं होता, ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी के कारण ही जो आपका पानी है वो नीचे गिरता है, वाटर साइकिल इसमें चलती है, है ना। इसके बाद जल जो है, जल का उपयोग भी इसमें किया जाता है, तो एक सोलर एनर्जी आप लोगों को अलग से दिख रहा है कि सोलर एनर्जी से इसका कोई संबंध नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, सोलर एनर्जी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, यदि आप लोगों ने पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यदि नहीं भी पढ़े हैं तो इस टाइप से आप लोग पढ़ लीजिए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, ये है कि क्या हाइड्रो पावर प्लांट का संघटक नहीं है। ऑप्शन दूंगा मैं कि हाइड्रो पावर प्लांट का कौन सा इसमें संघटक नहीं है, क्या उसमें हाइड्रो पावर प्लांट में नहीं होता। ए जनरेटर, ठीक है, बी टर्बाइन, सी बॉयलर, या डी डैम। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट, जिससे पहले जो क्वेश्चन था वो भी हाइड्रो पावर प्लांट से संबंधित था, ये भी हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट से कौन सा इनमें से जो है संघटक नहीं है हाइड्रो पावर प्लांट का, जनरेटर, टर्बाइन, बॉयलर या डैम। ठीक है, तो सिंपल सा दिख रहा है इसमें कि आपका जो बॉयलर है वो हाइड्रो पावर प्लांट का उससे कोई संबंध नहीं होता। बॉयलर काय में होता है, थर्मल पावर प्लांट में होता है, जिसमें पानी गर्म होता है, भाप बनती है, है ना, स्टीम बनती है, तो उसमें बॉयलर यूज होता है। डैम वाला जो है हाइड्रो पावर प्लांट, उसमें इसका कोई प्रयोग नहीं होता। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, मगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा, मैं सिंपल क्वेश्चन ही बता दूंगा तो आप लोग उसको सिर्फ रट ही पाएंगे, है ना। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए देख रहे हैं अपन इसमें। छठवां क्वेश्चन है, ठीक है, छठवां क्वेश्चन, समुद्र से इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने की निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक लाभकारी है। समुद्र से, ठीक है, समुद्र से इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने की कौन सी विधि सर्वाधिक लाभकारी है ना। समुद्र से बिजली उत्पन्न करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इसमें है टाइडल, क्या बोलते हैं उसको वो बताना है, टाइडल पावर, बी ओसीन करेंट, सी वेव पावर, या डी थर्मल एनर्जी। ठीक है, सिंपल है, आप लोगों को बताना है कि समुद्र से इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की कौन सी विधि सर्वाधिक लाभकारी है। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पर टाइडल पावर जो है, टाइडल वेव, उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, तो ये विधि जो है सर्वाधिक लाभकारी है। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप लोग पढ़ेंगे इसको एक बार तो याद हो जाएंगे, और ये इसी पैटर्न पे आपका पेपर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, ए सी बी का पूर्ण रूप है। ठीक है, ए सी बी जो है उसको पूर्ण रूप क्या होता है उसका, है ना। इसके ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट्स करके बता सकते हैं। ए सी बी जो होता है क्या है, एक प्रकार का है सर्किट ब्रेकर है ना, ऑप्शन देखेंगे आप समझ में जाएगा, तो इसका पूरा नाम क्या होता है वो बताना है, एयर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, एयर सर्किट ब्रेकर इसको नाम दिया है ए सी बी से इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है आठवां क्वेश्चन, क्वेश्चन सुन लीजिए, लग को केबल के समापक सिरे पर कसने के लिए, लग्स जो होते हैं, ठीक है, लग बोला जाता है इसको, लग्स बोला जाता है इंग्लिश में,
लग को केबल के समापक सिरे पर कसने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, लग्स को कसा जाता है केबल के समापक सिरे से, फिर उसको किसी चीज़ में कसा जाता है, तो उसके लिए किस कसने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, ए कॉम्बिनेशन प्लायर, है ना, कॉम्बिनेशन प्लायर, बी क्रिम्पिंग प्लायर, क्रिम्पिंग प्लायर, सी नोज प्लायर। ठीक है, जिसने पढ़ा होगा वो इसका आंसर दे पाएगा, नोज प्लायर, या डी निपर। ठीक है, ये चारों में से आपको बताना है कि जो केबल का समापक सिरा है उसको लग से कसने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो है आपका सीधा सिंपल सा क्रिम्पिंग प्लायर, क्रिम्पिंग टूल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, आगे देखते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए साथ में। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आगे और भी इम्पोर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। स्वचालित विद्युत प्रेस में तापमान नियंत्रक युक्ति होती है, जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक प्रेस होती है उसमें तापमान को नियंत्रण करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ठीक है, तापक तंतु, बी थर्मोस्टेट। ठीक है, तापमान नियंत्रण कौन करता है वो बताना है, सोल प्लेट, या डी प्रेशर प्लेट, क्या होता है उसमें बताना है कि तापमान कैसे नियंत्रण होता है इलेक्ट्रिक प्रेस जो रहती है, तो उसका आंसर आप बता दीजिए, ए बी सी डी कुछ भी चारों में से जो आपको सही लगता है। ठीक है, और यदि आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, है ना, और उसको याद रखना, इलेक्ट्रिक प्रेस जो है उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है, थर्मोस्टेट जो है आपका टेम्परेचर को मेज़र करता है, मेज़र करता है मतलब उसको जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो कट कर देता है, और जैसे टेम्परेचर कम होता है तो उसको वापस से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन जो है, निम्न में से क्या एक ऊर्जा का पारंपरिक साधन है? ठीक है, पारंपरिक साधन होता है और एक अपारंपरिक साधन होता है, तो इसमें पूछा है पारंपरिक, पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक साधन आपको बताना है, सूर्य, बी कोयला, सी पवन, या डी बायोगैस। ठीक है, पारंपरिक साधन इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है, तो पारंपरिक साधन जो है आप लोगों का बी कोयला जो है वो पारंपरिक साधन के रूप में आता है। ठीक है, और ये जो सूर्य है, पवन है, बायोगैस है, ये अपारंपरिक साधनों के अंदर आता है। ठीक है, अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न गैस, ठीक है, बायोगैस संयंत्र जो होता है, है ना, बायोगैस संयंत्र उसमें जो उत्पन्न गैस होती है उस गैस का क्या नाम है आपको ये बताना है। ठीक है, ए मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन, या डी ब्यूटेन। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास बायोगैस संयंत्र जो होता है ना, जैसे गोबर गैस संयंत्र भी बोला जाता है, तो उससे जो उत्पन्न गैस होती है उसको क्या कहा जाता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो उसका आंसर है मीथेन, मीथेन गैस है जो बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, सिरोपरि लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिरोपरि लाइन में मोड़ पर, ठीक है, मोड़ पर किस इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? इंसुलेटर में से आपका 100% क्वेश्चन आना ही है, एक या दो क्वेश्चन आपके आएंगे, तो यदि टर्निंग रहती है, ठीक है, जैसे ये पोल लगा है, यहाँ से यहाँ ऐसी केबल जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर भी एक इंसुलेटर रहेगा, खंभे से थोड़ी बांधेंगे तार को, तो इंसुलेटर जो लगा रहता है ऐसा इंक्लाइंड पे, वो कौन सा इंसुलेटर होता है? ठीक है, उसका नाम बताना है आपको, ए पिन, बी शेकल, सी सस्पेंशन, या डी स्टे। चार प्रकार के इंसुलेटर यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि लाइन जब इंक्लाइंड होती है, मोड़ जब आता है खंभे में, तो उस समय कौन सा इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर।
तो यहाँ पर जो है सिंपल है शेकल इंसुलेटर, ठीक है, शेकल इंसुलेटर जो है उसका प्रयोग किया जाता है लाइन में, जहाँ पर भी मोड़ आता है वहाँ पर। और एक और चीज़ बता देता हूँ, शेकल इंसुलेटर जब एंड होता है, जैसे यहाँ से भाई यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरे पोल चलते हुए आ रहे हैं, अब यहाँ एंड हो गया, तो यहाँ एंड पे भी शेकल इंसुलेटर का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन है, ठीक है। उच्च वोल्टेज वाली लाइन में, ठीक है, उच्च वोल्टेज वाली लाइन में, हाई वोल्टेज वाली लाइन में हिसिंग ध्वनि, हिसिंग करके ध्वनि होती है, उसका क्या कारण होता है, ठीक है, हिसिंग ध्वनि का क्या कारण होता है। यहाँ पर कोई सा चार इफेक्ट है, यहाँ पर सतह प्रभाव, सतह प्रभाव मतलब स्किन इफेक्ट, ठीक है, बी कोरोना, सी समीपता प्रभाव, या डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। बताना है आपको कि हिसिंग ध्वनि जब आती है हाई वोल्टेज लाइन में तो उसका क्या कारण होता है, ठीक है। तो उसका कारण सिंपल सा है, इन चारों में से है आपको बताना है, तीन प्रभाव होते हैं, इनमें से बताना है आपको कौन सा है, कोरोना, ठीक है। कोरोना जो होता है उसके कारण आपका जो है लाइन में, आप लोगों ने आवाज़ सुनी होगी हाई वोल्टेज की लाइन जब जाती है तो उसमें से हिसिंग ध्वनि की आवाज़ आती है। तो ये जो इफेक्ट लिखे हुए हैं, सतह प्रभाव, कोरोना इफेक्ट, समीपता प्रभाव, है ना, तो इनमें से कोई ना कोई एक इफेक्ट जो है पूछा जाएगा, और दोनों तीनों भी पूछे जा सकते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, है ना। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन, ठीक है, कि किस आवृत्ति पर सतह प्रभाव नहीं होता। देखिए सतह प्रभाव से ही क्वेश्चन आया है, सतह प्रभाव पे आपको बताना है कि कौन सा, ठीक है, कि किस आवृत्ति पर सतह प्रभाव नहीं होगा, वो आवृत्ति बताना है आपको, फ्रिक्वेंसी बताना है कि किस आवृत्ति पर सतह प्रभाव नहीं होता है। जीरो आवृत्ति पर, पी 50 हर्ट्स है ना, ये सब हर्ट्स में है, सी 60 या डी 40, कमेंट्स करके बताइए किस आवृत्ति पर सतह प्रभाव नहीं होता, ठीक है, सतह प्रभाव मतलब स्किन इफेक्ट। बताइए सतह प्रभाव जो है आपकी जीरो आवृत्ति पर नहीं होता है, जीरो आवृत्ति मतलब डीसी, डीसी में सतह प्रभाव बिल्कुल नहीं होता, एसी में सतह प्रभाव होता है, डीसी में नहीं होता, तो डीसी नहीं लिखते हुए यहां पर आवृत्ति में पूछा है, तो जीरो आवृत्ति पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केबल, देखिए केबल भी है आपके सिलेबस में इस बार, तो केबल जो है, केबल की सबसे बाहरी परत है ना, चार पांच परतें होती हैं केबल की, है ना, तो उसमें आपको बताना है सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, बाहरी परत को क्या कहा गया है, बेडिंग बी, सर्विंग सी, आर्मरिंग या डी कोर, ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि क्या जो है केबल की सबसे बाहरी परत होती है, चार लिखी हुई है, बेडिंग, सर्विंग, आर्मिंग या कोर, बाहरी मतलब सबसे ऊपरी परत जो है वो क्या होती है वो बताना है आपको, ठीक है, कमेंट करके आंसर देते जाइए। तो इसका सही आंसर जो है बी, सर्विंग, सर्विंग जो है आपकी केबल की सबसे बाहरी परत होती है, और सबसे अंदरूनी परत क्या होती है, कोर, जिसके अंदर से करेंट फ्लो होता है। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन है, आवासीय क्षेत्रों में, आवासीय क्षेत्रों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन निम्न होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है मतलब लाइन जो है आपको उस फॉर्म में बताना है, आप ऑप्शन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन आवासीय क्षेत्रों में किस फॉर्म में होता है, ए सिंगल फेस दो तार, ठीक है, सिंगल फेस दो तार के रूप में होता है, बी थ्री फेस तीन तार, सी थ्री फेस चार तार, या डी दो फेस दो तार। आपको ये बताना है कि आवासीय क्षेत्रों में जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसमें से कौन सा क्रम जो है वो यूज़ किया जाता है ना, आवासीय क्षेत्र मतलब जहाँ आप, यहाँ आप रहते हैं, है ना, कॉलोनी वगैरह में किस प्रकार का रिलेशन यहाँ पे यूज़ किया जाता है ना, आंसर दीजिए इसका।
जिसने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है कि थ्री फेज फोर वायर है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि एक दो तीन और ये चार है ना, यहाँ पर आर वाई भी तीन फेज रहते हैं और बीच नीचे क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, तो तीन तो फेज होगा ये और चौथा न्यूट्रल हो गया, मतलब थ्री फेज फोर वायर, थ्री फेज फोर वायर है ना, ये वाला सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है सत्रहवां क्वेश्चन है कि केबल में अधिकतर कौन सा फॉल्ट होने की संभावना होती है, जो आपकी केबल होती हैं है ना, केबल के अंदर कौन सा फॉल्ट होने की अधिकतर संभावना होती है। ऑप्शन सुनिए, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, बी ओपन सर्किट, सी केबल इंसुलेशन का ब्रेकडाउन, इंसुलेशन ब्रेकडाउन, या डी सभी। ठीक है, केबल में कौन सा फॉल्ट होने की संभावना होती है, इनमें से कौन सा फॉल्ट जो है वो केबल में देखा जाता है या होता है केबल में। ठीक है, केबल में आप लोग बताइए कौन सा फॉल्ट होता है। तो केबल में आपने देखा है शॉर्ट सर्किट भी होता है, ओपन सर्किट भी होता है, इंसुलेटेड भी होता है, तो इसका आंसर जो है वो क्या है आपका, डी वाला, मतलब सभी फॉल्ट होते हैं केबल में। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखिए वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए है ना, जो भी बच्चे आईटीआई कर रहे हैं, जो टेक्निकल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर जो होते हैं वो बने होते हैं, इंसुलेटर बने होते हैं, ठीक है, काय के बने होते हैं आपको वो बताना है। ए कांच, बी पोर्सलिन, सी लकड़ी, या डी पीवीसी। ठीक है, जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें इंसुलेटर जो हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं ये बताना है आपको है ना। चार ऑप्शन है, कांच, पोर्सलिन, लकड़ी या पीवीसी। ठीक है, तो आपका आंसर सही क्या है, पोर्सलिन के वो बने होते हैं है ना। सिंपल क्वेश्चन था ये, सभी को बन गया होगा। आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आप लोग लिखते भी जाइए है ना, पोस्ट करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है है ना। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर नहीं है। सर्किट ब्रेकर आपने सुने होंगे है ना, कई प्रकार के सर्किट ब्रेकर होते हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा, सैंड ब्लास्ट, बी ऑयल सर्किट ब्रेकर, सी ACB या डी VCB। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सर्किट ब्रेकर नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि सैंड ब्लास्ट जो है वो सर्किट ब्रेकर नहीं है, ऑयल सर्किट ब्रेकर भी होता है, ACB भी होता है और VCB भी होता है। ACB क्या है, एयर सर्किट ब्रेकर, और VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन है आपका कि सब स्टेशन में इंस्टॉल नहीं किए जाते। इनमें से आपको बताना है कि सब स्टेशन जो होते हैं है ना, उसमें क्या इंस्टॉल नहीं किया जाता। ऑप्शन है, एक्साइटर, क्या इंस्टॉल नहीं किया जाता वो बताना है आपको। बी सीरीज कैपेसिटर, सी शंट रिएक्टर, डी पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जो है, क्या चीज़ जो है वो आप लोगों का सब स्टेशन में प्रयुक्त नहीं किया जाता है ना, तो आपको ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि आप लोगों ने पढ़ा है ना, फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हैं आप लोग, यदि हर चीज़ आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा है ना, इसका आंसर क्या है, एक्साइटर जो है आपका अल्टरनेटर वगैरह में एक्साइट करने के लिए फील्ड वाइंडिंग के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो एक्साइटर जो है आपका सब स्टेशन में, एक्साइटर का कोई काम नहीं है ना, तो यहाँ पर एक्साइटर इसका सही आंसर होगा, सब स्टेशन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है ना। आगे देखते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं है ना, डायवर्सिटी गुणक है ना,
ये आप लोगों के डाइवर्सिटी फैक्टर है, मैक्सिमम डिमांड है, है ना, एवरेज लोड है, ये सब चीज़ें जो हैं इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, है ना। पहले सिलेबस में नहीं था मगर अब सिलेबस में ये जुड़ चुका है। तो डाइवर्सिटी गुणक का आप लोगों को डायरेक्टली मान बताना है कि वो क्या होता है। एक होता है, एक से अधिक होता है, ठीक है, बी एक से कम होता है, या फिर इसलिए डी, या फिर जीरो होता है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी गुणक, डाइवर्सिटी फैक्टर जो है उसका मान आप लोगों को बताना है क्या होता है ना। एक होता है, एक से अधिक होता है, एक से कम होता है, या फिर जीरो होता है। तो सिंपल है, सीधा सा डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका मान जो है वो एक से अधिक होता है। इसके कुछ फॉर्मूले भी हैं मैक्सिमम डिमांड के, एवरेज लोड के, है ना, मैक्सिमम लोड के, डाइवर्सिटी फैक्टर के। तो ये फॉर्मूले भी आप लोग याद कर लेना। इसके डायरेक्टली मान जो है वो एक से अधिक होता है ना। क्वेश्चन ऐसा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है, देखिए मैंने बोला था मैक्सिमम उच्चतम मांग, उच्चतम मांग, उच्चतम मांग, उच्चतम मांग मतलब मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड जो है उसको किस में मापा जाता है, मैक्सिमम डिमांड को किस में मापा जाता है, ए वाट में, बी किलो वाट में, सी मेगा वाट में, या डी नन ऑफ दी अबव, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड भी है ये किस चीज़ में, किस यूनिट में मापी जाती है, वाट में, किलो वाट में, मेगा वाट में, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आंसर आइए, आपको पता है तो कमेंट्स करके बताते जाइए, है ना। तो मैक्सिमम डिमांड जो है आप लोगों का सही आंसर जो है, यदि बी बोला है आपने तो बिल्कुल सही है, मैक्सिमम डिमांड को किलो वाट में मापा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन, ठीक है। 23वां क्वेश्चन, विद्युत वितरण उपकेंद्र के लिए, विद्युत वितरण जो उपकेंद्र होते हैं मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर कौन से हैं, ठीक है, कौन सा ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। देखिए फोर्थ सेमेस्टर है, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, ये फोर्थ सेमेस्टर है, इसमें आपका पहले से लेके फोर्थ तक हर सेमेस्टर में से कुछ भी पूछा जा सकता है ना। क्योंकि आप फोर्थ सेमेस्टर में आ गए तो बेसिक चीज़ें अब फोर्थ के सेमेस्टर में ट्रांसफार्मर नहीं होगा, मगर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे विद्युत वितरण उपकेंद्र के लिए प्रयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर, अब ये विद्युत वितरण वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिलेबस में है, मगर ट्रांसफार्मर आपका सेकेंड सेम में था, है ना, मगर उससे क्वेश्चन आ गया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा प्रयोग होता है, डेल्टा डेल्टा, ये आप लोगों ने पढ़े थे, डेल्टा डेल्टा, स्टार स्टार, ठीक है, स्टार डेल्टा, या फिर डेल्टा स्टार। तो आप लोगों को बताना है कि जो आपके विद्युत वितरण उपकेंद्र जो होते हैं उसके लिए कौन से ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं। सिंपल है ना, वाइंडिंग वगैरह आप लोग यदि ट्रांसफार्मर का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप लोग आई बटन पे प्रेस करके देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर जो है उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। तो डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मरों का विद्युत वितरण उपकेंद्र में प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, देखिए डेल्टा जब आता है तो उसके अंदर तीन फेज आते हैं, है ना, आर वाई और बी। अब आपको जब ट्रांसमिशन हो रहा है तो वहाँ पर न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मगर जब आप उसका वो करेंगे, है ना, आपके जैसे घर में आप सप्लाई लेंगे तो उसमें आपको क्या पड़ेगा ज़रूरत, ये आर वाई बी, ये स्टार बन गया, ठीक है, स्टार बन गया, और ये बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है। तो न्यूट्रल की भी ज़रूरत पड़ती है आपको, तो इसलिए कौन सा ट्रांसफार्मर, डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार का प्रयोग किया जाएगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा डेल्टा स्टार का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन, केज गार्डिंग, केज गार्डिंग जो है प्रयुक्त होती है, केज गार्डिंग कौन सी लाइन में प्रयुक्त होती है आपको ये बताना है ना। ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर लाइन में, बी क्षैतिज में, सी ए व बी दोनों में, या डी इनमें से कोई नहीं, है ना। आपको ये बताना है कौन सी केज गार्डिंग, केज गार्डिंग जो है इनमें से किस में प्रयुक्त की जाती है, कौन सी लाइन में प्रयुक्त, ऊर्ध्वाधर लाइन में, क्षैतिज में, या दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। गार्डिंग क्या होती है ना, वो सब बताऊंगा मैं आप लोगों को। ऊर्ध्वाधर लाइन में, ऊर्ध्वाधर लाइन में जो है आपकी केज गार्डिंग प्रयुक्त की जाती है। गार्डिंग क्या होती है, जैसे आप लोगों की ये लाइन जा रही है ना, तो यहाँ पर आपने एक तार से
इस प्रकार से एक पिंजरा बना दिए। और होता क्या है, यदि लाइन जो टूटेगी तो नीचे ना गिरते हुए है ना, मानव को या पशुओं को कोई हानि नहीं होगी, ये लाइन गिरेगी तो सीधे आके इस पर रखा जाएगी, और ये जो लाइन है वो एंड में आके क्या रहती है, ग्राउंड कर दी जाती है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को कोई हानि नहीं होगी। तो ये जो दिख रही है आपकी, ये केज गार्डिंग होती है। कुछ लाइन आप लोगों ने ऐसी देखी होंगी, ये लाइन लगी रहती तो इसमें इस प्रकार से लगा दिए जाते हैं, है ना। तो ये कौन सी होती है, क्रेडल गार्डिंग होती है। तो यहाँ पर क्या पूछा था, केज गार्डिंग। तो केज गार्डिंग ये ऊर्ध्वाधर लाइन में, और क्रेडल जो है वो ये क्षैतिज लाइन में प्रयुक्त होती है, ठीक है। आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन थोड़ा सा बनाना पड़ेगा मुझे। ये आपको ये डायग्राम जो दिख रहा है, ये बताना है कि किस चीज का है ये। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का इंसुलेटर है ना। इंसुलेटर है तो आपको बताना है कि कौन सा इंसुलेटर है, कि पेन टाइप का है, कि शेकल टाइप का है, कि सस्पेंशन टाइप का है, कि स्टे टाइप का, कौन सा इंसुलेटर है, आपको ये बताना है। ठीक है, सिंपल आप लोगों को डायग्राम में समझ में आ रहा होगा ये कौन सा इंसुलेटर है। तो ये जो है आपका सिंपल पिन दिख रही है आपको, पिन टाइप का इंसुलेटर है ना। यदि डायग्राम भी बने हुए आ सकते हैं इंसुलेटर की, पिन टाइप का इंसुलेटर है आपका। आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन। ठीक है, 26वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जन का कारण है, सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसका पीछे क्या कारण है, है ना। तो आपको बताना है नाभिकीय संलयन, ठीक है, पी नाभिकीय विखंडन, सी हाइड्रोजन का दहन, या डी यूरेनियम का दहन। आपको बताना है कि सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जन होता है उसके पीछे क्या कारण है, आपकी संलयन, आपकी विखंडन, हाइड्रोजन का दहन या यूरेनियम का दहन, है ना। कमेंट करके बताइए इनमें से क्या है कि सूर्य से इतनी एनर्जी उत्पन्न होती है ना। तो वो जो होता है नाभिकीय संलयन जो है उस अभिक्रिया पे आपकी सूर्य की जो है एनर्जी निकलती है, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चनों को लिखते भी जाइए, है ना, याद रखिए, एग्जाम देने जाइए तो 102 बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट कर हो रहा है आपका, है ना। यदि कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को तो देख के चले ही जाएं आप लोग। 27वां क्वेश्चन, सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। सूर्य ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा जो है उसमें बदलने के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है कि कैसे वो ऊर्जा आपकी एकत्रित होती है। ए संग्राहक, बी परिवर्तक, सी बॉयलर, या डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, आपको नन ऑफ द अबव मतलब इनमें से कोई नहीं, सिंपल है ना। सूर्य से जो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैसे वो संग्रहित होती है ऊर्जा, तो सिंपल सा आंसर है इसका संग्राहक, है ना। संग्राहक के द्वारा ऊर्जा जो है आपकी एकत्रित की जाती है, सूर्य ऊर्जा। 28वां क्वेश्चन, पावर प्लांट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। बांध के पीछे जमा जल, बांध जो रहता है, डैम जो रहता है ना, ये जो डैम है इसके पीछे जो जमा जल है, ये जल जो है वो क्या कहलाता है, ये जल क्या कहलाता है, आपको ये बताना है ना। टेल रेस, बी हेड रेस, सी उत्पल्व मार्ग, या डी नन ऑफ दीज। ठीक है, ये जो डैम के बांध के पीछे जमा जल रहता है वो क्या कहलाता है, टेल रेस, हेड रेस, उत्पल्व मार्ग, या इनमें से कुछ नहीं, है ना, सिंपल है, बताइए। ये जो बांध के पीछे ये जो डैम रहती है, इसकी दीवार रहती है, इसके पीछे जो जमा जल है वो क्या कहलाता है, हेड रेस कहलाता है। और यहाँ से जब पूरी प्रोसेस हो जाती है, यहाँ पर पावर हाउस वगैरह रहता है, पेन स्टॉक वगैरह रहता है, यहाँ से जल वापस बाहर निकल जाता है, ये क्या कहलाता है, ये टेल रेस कहलाता है। और यहाँ का जल कौन सा कहलाएगा, हेड रेस कहलाता है ना, सिंपल है। 29वां क्वेश्चन,
प्रेशर चैनल का कार्य खालिस्तान तक जल पहुंचाना, ये क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, प्रेशर चैनल का कार्य ठीक है खालिस्तान तक जल पहुंचाना, ठीक है। प्रेशर चैनल जो रहता है उसका क्या काम होता है, कहां तक वो जल को पहुंचाता है वो बताना है आपको, है ना। प्रेशर चैनल का कार्य खालिस्तान तक जल पहुंचाना होता है। ए पावर हाउस, बी टेलरेस, सी वॉल्व हाउस, या डी हेडरेस, ठीक है। तो ये जो प्रेशर चैनल है ये कहाँ होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है। आपने हाइड्रो पावर प्लांट यदि अच्छे से पढ़ा है तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, पावर हाउस, टेलरेस, वॉल्व हाउस, हेडरेस। अब दो चीज़ें तो मैंने यही बता दी थी कि हेडरेस और टेलरेस क्या होता है ना, बचे क्या आपके आंसर, दोनों में बचे, इन दोनों में से कुछ होगा। तो क्या है इसका आंसर, वॉल्व हाउस। वॉल्व हाउस तक आप लोगों का प्रेशर चैनल का कार्य होता है कि वो पानी पहुंचाता है आपका, ठीक है। वॉल्व हाउस इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन, किस शक्ति संयंत्र का प्रयोग सर्वाधिक रूप से किया जाता है। शक्ति संयंत्र मतलब विद्युत प्लांट जो होते हैं, पावर प्लांट, उसका सर्वाधिक रूप से किसका प्रयोग किया जाता है। ए डीजल शक्ति संयंत्र, है ना, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। बी पवन आधारित शक्ति संयंत्र, सी कोयला आधारित शक्ति संयंत्र, या डी ज्वारीय, है ना, ज्वार भट्टा वाले जो हाइडल वेव वाले होते हैं वो वाले, है ना, समुद्र वाले। तो डीजल वाला, पवन, कोयला या ज्वारी, किसका प्रयोग सर्वाधिक रूप से किया जाता है, ठीक है, आपको बताना है। तो सर्वाधिक रूप से कोयले वाले का मतलब थर्मल का, थर्मल पावर प्लांट का सर्वाधिक रूप से प्रयोग किया जाता है। डीजल का भी बहुत कम है, पवन का भी बहुत कम है, और ज्वारी तरंगों का भी बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, थर्मल पावर प्लांट का, है ना। चलिए आगे देखते हैं, 31वां, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर जो रहता है, नाभिकीय रिएक्टर, उसमें किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ए कैडमियम, बी बोरान, सी यूरेनियम, या डी नन ऑफ द अबव, है ना, इनमें से कोई नहीं। नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि नाभिकीय आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होता है जिससे बिजली उत्पन्न की जाती है, तो उसमें ही नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में किस ईंधन का, ईंधन बताना है आपको, है ना, कैडमियम, बोरान, यूरेनियम या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग होता है, यूरेनियम का, ठीक है, यूरेनियम का, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, है ना। इसके बाद आगे देख लीजिए, 32वां क्वेश्चन भी नाभिकीय रिएक्टर से रिलेटेड है। 32वां क्वेश्चन में, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। शीतलक आ गया, मतलब कूलिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। ए है आपका जल का, बी भारी जल का, सी हल्का जल का, या डी गैसों का प्रयोग किया जाता है ना। तो आपको बताना है नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जल का होता है, भारी जल का, हल्का जल का, या फिर गैस का प्रयोग किया जाता है शीतलक के रूप में, यह बताना है आपको, कूलेंट के लिए, है ना। तो वो क्या होता है, भारी जल का, इसको याद रखिएगा, इसको बोला जाता है D2O, D2O मतलब भारी जल, भारी जल का प्रयोग किया जाता है शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में, है ना। 33 डीसी ड्राइव में, ठीक है, डीसी ड्राइव, दो ड्राइव होती है, डीसी ड्राइव और एक होती है एसी ड्राइव, है ना, ड्राइव, डीसी ड्राइव में मुख्यतः किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, मेनली वहाँ पर किस युक्ति का, बहुत सारी युक्तियाँ होती हैं मगर मेनली किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। ए ट्रांजिस्टर, बी डायक, सी थायरिस्टर, या डी ट्राइक, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि डीसी ड्राइव में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, है ना, ट्रांजिस्टर का, डायक का, थायरिस्टर का, या ट्राइक का। तो उसमें थायरिस्टर, थायरिस्टर मतलब
SCR भी बोला जाता है इसे, इसका प्रयोग किया जाता है वहाँ पर डीसी ड्राइव में सर्वाधिक रूप से, है ना, थायरिस्टर का। आगे देखते हैं 34 जो है, यूपीएस का कौन सा भाग एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, यूपीएस की बात हो रही है, ठीक है, यूपीएस इसमें कौन सा भाग जो है एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, है ना, एसी को डीसी में क्या परिवर्तित करता है, इन्वर्टर, बी कन्वर्टर, सी रेक्टिफायर या डी नन ऑफ दी अबव, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि इनमें से क्या यूपीएस में, है ना, यूपीएस मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोला जाता है इसे, यूपीएस आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर के साथ लगा रहता है, उसमें क्या जो है वो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, तो एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है, रेक्टिफायर जो है वो परिवर्तित करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। आगे देखते हैं 35 आ रहा है, एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग, एससीआर ठीक है, एससीआर मतलब थायरिस्टर, इसका मुख्य अनुप्रयोग बताना है, एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है आपको वो बताना है, इसका उपयोग ऑप्शन देख लीजिए, मोटर की गति को नियंत्रण, मोटर की गति नियंत्रण में, बी वोल्टता नियंत्रण में, सी फिल्टर सर्किट में या डी दोलित्र सर्किट में, ठीक है, एससीआर जो है उसमें आपको बताना है कि इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, एससीआर का अनुप्रयोग क्या है, क्या एप्लीकेशन है मेनली उसका, तो एससीआर जो है मोटर की गति, अभी आपने देखा था ड्राइव, डीसी ड्राइव है, ड्राइव्स वगैरह में भी एससीआर लगे रहते हैं, है ना, तो विशिष्ट चालक युक्तियाँ होती हैं, ये एससीआर हुई या थायरिस्टर हुआ, यूजेटी, एफईटी, आईजीबीटी, है ना, जीटीओ, ये सब जो है सेमेस्टर में है आपके सिलेबस में, तो वो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, है ना, उसके से क्वेश्चन 100% आने वाले हैं, है ना, तो एससीआर यदि आप लोगों के पास पुरानी बुक है तो पुरानी बुक में पूरे डिटेल में नहीं है, इस बार की जो नई बुक आई है उसमें पूरे डिटेल में है, तो उससे एक बार उसको पढ़ के जाइए, है ना, तो इसके जो एप्लीकेशन है वो पढ़िएगा, एससीआर आपका ट्रायक डायोड ये सब चीज़ें जो हैं, आईजीबीटी, एफईटी, मॉसफेट, इनके अनुप्रयोग, इनके फुल फॉर्म, है ना, इनके टर्मिनलों के नाम, यही पूछे जाएंगे, ये तीन चीज़ यदि आपने पढ़ ली तो इस क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, तो इसका क्या है मोटर की गति नियंत्रण में। आगे देखते हैं 36 आईजीबीटी का फुल फॉर्म जल्दी से बताइए, आईजीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, है ना, आईजीबीटी भी इसी चैप्टर का हिस्सा है, इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये होता है आईजीबीटी का फुल फॉर्म। आगे देखते हैं 38 एफईटी, ठीक है, FET क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET के टर्मिनलों के नाम बताना है आपको, टर्मिनल कौन कौन से होते हैं FET वो बताना है, FET के टर्मिनल, ठीक है, अब ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं, है ना, डायरेक्टली आप लोगों को टर्मिनल बता दिए, शॉर्टकट में लिख दीजिए यदि आपको पता है तो, है ना, इसके टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, गेट, सोर्स और ड्रेन, ठीक है, गेट, सोर्स और ड्रेन जो है इसके तीन टर्मिनल होते हैं, FET फुल फॉर्म भी आ सकता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, इसके बाद देखिए 39 क्या है, यूजेटी का फुल फॉर्म, यूजेटी का फुल फॉर्म बताना है आपको, फुल फॉर्म यूजेटी का फुल फॉर्म यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है यूजेटी का फुल फॉर्म, एफईटी का क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, 40 क्वेश्चन और यहीं पे देख लीजिए, इसी से रिलेटेड है, ट्रांजिस्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रांजिस्टर के टर्मिनल
अब ये सब क्वेश्चन क्या है आप लोग पढ़ चुके हो, मगर आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें, है ना। बार बार बोल रहा हूँ मैं कि हर पूरे चारों सेमेस्टर में से कुछ भी पूछा जा सकता है फोर्थ सेमेस्टर में। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पुराने रहते हैं, है ना। तो इसके तीन टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? कलेक्टर, इमीटर और बेस। कलेक्टर, इमीटर और बेस, ये तीन टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर के, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन हैं। आगे देखते हैं 41, ठीक है। 41 क्या है? हाइड्रो पावर प्लांट में किस अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट में जो अल्टरनेटर लगा रहता है उसमें किस अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो है अल्टरनेटर वाला चैप्टर आपका थर्ड सेमेस्टर का है ना, मगर इसमें पूछा गया तो कौन सा अल्टरनेटर होगा? वो सेलियंट पोल। सेलियंट पोल, सेलियंट पोल रोटर लगा रहता है जिस अल्टरनेटर में, उसका हाइड्रो पावर प्लांट में प्रयोग किया जाता है। क्या खासियत रहती है इसकी सेलियंट पोल की? इसका जो है डायमीटर अधिक होता है, ठीक है। इसका जो व्यास जो है, ये व्यास देख रहे हैं आप कितना अधिक है, मगर इसकी लंबाई जो है वो कम होती है, ये सेलियंट पोल होता है। तो ये जो है आपका हाइड्रो पावर प्लांट में प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद एक होता है नॉन सेलियंट पोल, है ना। नॉन सेलियंट पोल, इसका क्या होता है? डायमीटर तो कम रहता है मगर इसकी लंबाई जो है वो अधिक रहती है। तो इसका प्रयोग होता है थर्मल पावर प्लांट में और इसका हाइड्रो पावर प्लांट में, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि हाइड्रो पावर प्लांट में किस अल्टरनेटर का प्रयोग? तो सेलियंट पोल का, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वैक्यूम क्लीनर में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर में बताइए, शेडेड पोल, कैपेसिटर स्टार्ट, यूनिवर्सल मोटर या रिपल्सन मोटर? इन चारों में से बताइए, ए शेडेड पोल, बी कैपेसिटर स्टार्ट, सी यूनिवर्सल या डी रिपल्सन। तो वैक्यूम क्लीनर में सिंपल है यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। और यूनिवर्सल मोटर की क्या खासियत है? ये एसी या डीसी दोनों पे ही वर्क करती है यूनिवर्सल मोटर, है ना। एसी डीसी दोनों पे काम करती है। इसके बाद 43, अभी मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा है। मोटर की तुल्यकालिक गति, है ना, सिंक्रोनस स्पीड, मतलब एनएस, एनएस निकालने के लिए क्या फार्मूला है वो बताना है आपको। ये फार्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, है ना। इसके लिए फार्मूला जो होता है 120 एफ अपॉन पी, ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, एन एस इजिकल टू 120 एफ अपॉन पी। इससे आप फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं यदि पोल और स्पीड दी हुई है, तो स्पीड निकाल सकते हैं, फ्रिक्वेंसी और पोल चाहिए, या तो आपको फ्रिक्वेंसी या स्पीड दी है तो आप पोल्स की संख्या भी निकाल सकते हैं। एन एस इजिकल टू 120 एफ अपॉन पी। 44, सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग स्टार्टिंग और रनिंग, ठीक है, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग जो रहती है इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है? तो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है? फेज अंतर 90 डिग्री का, 90 डिग्री का अंतर होता है ना। और यदि आप बात करो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की, ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कितना अंतर होता है? तीनों फेज के बीच में 120 डिग्री का अंतर होता है। जो वाइंडिंग स्थापित की जाती है वो 120 डिग्री के अंतर पर, जिसके कारण क्या है, एक घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र मिल जाता है आपको, है ना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। आगे देखते हैं, सारे क्वेश्चन लिखते जाइए, है ना। आगे है 45 है आपका, इंस्ट्रूमेंट पे से क्वेश्चन आ सकते हैं। MI इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, MI मतलब मूविंग आयरन, है ना, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, AC में या DC में? तो मूविंग आयरन का इंस्ट्रूमेंट का उपयोग AC व DC दोनों में होता है। और एक और होता है मूविंग कॉइल, तो मूविंग कॉइल का कहाँ होता है? केवल DC में होता है ना। तो ये इंस्ट्रूमेंट पे से ये क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं 46, ठीक है। 46 जो है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। अभी भी एक क्वेश्चन और ऐसे ही आया था स्टेप डाउन में। अब स्टेप डाउन में आप लोगों को पता है स्टेप डाउन कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ पर आप लोगों को उसका कंजम्पशन करना, मतलब एनर्जी का यूज़ करना है, ठीक है। तो स्टेप डाउन में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन से रहेंगे? डेल्टा स्टार, है ना, डेल्टा स्टार, क्योंकि यहाँ से आपको न्यूट्रल भी मिलेगा। डेल्टा स्टार जो रहेंगे वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेंगे, है ना। एक और सिंपल 47वां क्वेश्चन, यदि ट्रांसफार्मर में से थोड़ा सा और ज़्यादा पूछ लिया, कोई भी कंपटीशन एग्जाम है ना, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना, सभी को पता है मगर नहीं पता है तो इसको याद रखिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस,
म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे आपका ट्रांसफार्मर जो है वो कार्य करता है ना। आगे देखते हैं, 3 क्वेश्चन और है, 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे है ना। 48 कौन सा है, एनर्जी मीटर एनर्जी मीटर जो आपके घरों में लगे रहते हैं जिसमें रीडिंग आती है वो एनर्जी मीटर कहलाते हैं। वो किस प्रकार का एक यंत्र होता है, वो होता है आपका इंटीग्रेटिंग टाइप का यंत्र होता है ये, है ना। सभी को पता होना चाहिए इंटीग्रेटिंग मतलब जो आपको वोल्टेज और करंट का जो पूरा कैलकुलेशन करके आपको यूनिट के फॉर्म में देता है, तो उन यंत्रों को इंटीग्रेटिंग यंत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 49। जनरेटर फ्लेमिंग के किस नियम पर कार्य करता है, जनरेटर फ्लेमिंग के किस नियम, बाएं हाथ का है, दाएं हाथ का है, कोई और नियम। ठीक है, तो जनरेटर जो है फ्लेमिंग का जो है वो दाएं हाथ का नियम। ठीक है, दाएं हाथ का नियम, तो इसको याद रखने का तरीका सिंपल है, दाया बाया जनरेटर आप सीधे हाथ से घुमाते हो तो वो हो गया आपका दाएं हाथ का नियम। अब मोटर है, मोटर को तो घुमाना ही नहीं, तो उसको बाएं हाथ से भी चालू कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ये 49 क्वेश्चन हो गए है ना। लास्ट क्वेश्चन है 50 का क्वेश्चन देखिए, फॉर्म फैक्टर की डायरेक्ट वैल्यू होती है, फॉर्म फैक्टर आपको पता होना चाहिए। फॉर्म फैक्टर जो है कितना होता है, 1.11, ये डायरेक्ट वैल्यू होती है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है मगर ये डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है एग्जाम में, है ना। इसी प्रकार एक पीक फैक्टर भी होता है, पीक फैक्टर कितनी होती है, 1.414, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन आपको लास्ट में ऐसे लग रहे होंगे कि ये पहले पढ़ चुके हैं मगर ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं ना, फोर्थ सेमेस्टर में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो 50 क्वेश्चन थे आपके, 50 पूरे कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फोर्थ सेमेस्टर का तो ये वीडियो आप 1 से 2 बार देख लें तो आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, है ना। और इसमें मैंने एक पैटर्न भी बता दिया है किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों को पूरे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। और इसके अलावा भी और कुछ पढ़ना है आप लोगों को तो सिलेक्टेड चीज़ है, अब जैसे इंसुलेटर है, इंसुलेटर पर से आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ के जाना है। 3-4 प्रकार के होते हैं, कुछ प्रभाव हैं, स्किन इफेक्ट वगैरह, ये सारे चीज़ें पढ़ के जाना है। पावर प्लांट है, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसके बाद आपकी केबल वगैरह हो गई, उस पर से क्वेश्चन आते हैं। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जैसे FET, MOSFET, इन पे से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं एग्जाम में पूछी जाती है। मेन चैप्टर आपकी यही है ना, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और आपका जनरेटिंग, ये सारे चैप्टर जो हैं इन पे से क्वेश्चन आते हैं। आप टेक्निकल एग्जाम की भी तैयारी करेंगे तो उसमें से भी यही सारे जो क्वेश्चन हैं यही पूछे जाएंगे। तो ठीक है, वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए। थैंक यू।